हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें यूज होगी उनके बारे में थोड़ा जानेंगे डिटेल में, और उनके कंसेप्ट समझ के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी अलग यूज होगी। बट ऑलरेडी मैंने दो वीडियो ट्रायंगल के कंसेप्ट्स पे बना दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं, और उनको देख के समझने के बाद आप कोई भी ट्रायंगल का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन में मैं अगेन जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की यूज करेंगे। अब ट्रायंगल के कंसेप्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलिस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल एबीसी में कौन सी साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी। तो ये जो इस तरह के साइन होते हैं ये हमको क्या इंडिकेट करता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। और इसमें हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि ये जो साइड इक्वल है इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी का अपोजिट एंगल है ये सी, ए सी बी, ठीक है। तो ये वाला ये इसके अपोजिट एंगल है, ये इसका अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे, अगर ये दो साइड्स इक्वल है दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल्स में थ्री इंटीरियर एंगल्स होते हैं और तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड सॉल्व होंगे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको आप लर्न करिए, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ओलंपियाड में आते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो ट्रायंगल एबीसी आपको दिया हुआ है इसके अंदर एक एंगल एक्स है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब इस फिगर को पहले ध्यान से देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी है, उसके अंदर ट्रायंगल एडीबी है, और इस एडीबी में टू साइड्स इक्वल दी हुई है ये दोनों। एक एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है, और एबीसी में क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है, ये 20 है और ये एक्स है, ठीक है। तो अब हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ट्रायंगल एडीबी में जो टू इक्वल साइड्स दी है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल एडीबी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल वेयर एडी इक्वल्स टू बीडी। तो ये एडी इक्वल्स टू बीडी ये दिया हुआ है। अब जब एडी इक्वल्स टू बीडी तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, इनके अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था आइसोसेलिस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है एडी और बीडी तो इनके एंगल्स भी ये वाले इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रेड से जो मैंने मार्क किया एंगल इक्वल है, और इनको मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ, वाई, ठीक है, दोनों को वाई मैंने एज्यूम किया है, दोनों इक्वल है तो दोनों वाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर यही लिखा मैंने, एंगल डी ए बी, ये डी डी ए बी और डी बी ए, ठीक है, डी ए बी इक्वल्स टू डी बी ए, और इसको मैंने वाई एज्यूम किया है, ठीक है, इतना ही किया है। अब इन ट्रायंगल ए डी बी, अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, किसमें, ए डी बी में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल बी डी ए, बी डी ए कौन सा, 100 डिग्री, बी डी ए 100 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स डी ए बी प्लस डी बी ए, ठीक है, इनका सम क्या है, 180 डिग्री। तो 100 प्लस वाई 180 डिग्री, वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y, 100 प्लस 2y 180 डिग्री। अब 2y क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 80 डिग्री, तो 2y 80 आ गया, y आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, ये हो गई है 40, ठीक है, तो y हमारा 40 डिग्री आ चुका है, यहाँ पर भी 40, ये भी 40, तो ये दोनों एंगल 40 40 हो गए। अब ट्रायंगल ABC में हम जाएंगे, ठीक है, इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और तीनों
एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, एक तो है एंगल ए बी सी, ठीक है, और फिर है बी सी ए और फिर है सी ए बी, ठीक है। तो यही लगा दिया मैंने, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, 180 डिग्री। अब ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी में क्या हो रहा है, ये टोटल एंगल 20 प्लस वाई, ठीक है, 20 प्लस वाई, और वाई क्या है हमारा 40, तो 20 प्लस 40 ए बी सी, तो ए बी सी की जगह मैंने लिख दिया 20 प्लस 40, ठीक है। और दूसरा एंगल बी सी ए, बी सी ए देख लेते, बी सी ए 70 दिया हुआ है हमको, तो बी सी ए की जगह मैंने 70 लिख दिया। अब सी ए बी देख लेते, सी ए बी, तो सी ए बी ये वाला एंगल है, तो ये क्या है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस 40, तो मैंने x प्लस 40 लिख दिया सी ए बी को, ठीक है। सी ए बी क्या हो जाएगा, x प्लस 40। फिर से देख लीजिए, ए बी सी हो जाएगा 20 प्लस 40, यहाँ से ये वाला एंगल 20 प्लस 40 है, और ये वाला एंगल है 70 डिग्री, और ये वाला एंगल ऊपर वाला x प्लस 40, ठीक है। और इसका सम कितना दिया, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन सबको ऐड कर दिया मैंने, तो 60 और 40 100 और 170, तो टोटल x प्लस 170 आता है। इन सबको ऐड कर लीजिए कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को, तो x प्लस 170 आ जाता है और इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 170 10 डिग्री, तो x की वैल्यू 10 डिग्री यहाँ पर है। तो ऑप्शंस कौन सा है, बी, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो यहाँ पर ये देखिए, अंदर हमने आइसोसेलिस ट्रायंगल दिया हुआ है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल यहाँ पर दी हुई है, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इसको मैंने वाई अज्यूम किया है। फिर इस ट्रायंगल एडीबी में मैंने यहाँ पर ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर ये वैल्यूज रख के मैंने वाई इक्वल्स टू 40 डिग्री निकाला, और यहाँ पर मार्क कर दिया कि ये 40 है, ये भी 40 है। अब ट्रायंगल एबीसी में फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये वाला एंगल कितना है, x प्लस वाई मतलब x प्लस 40, ये वाला कितना हो जाएगा, y प्लस 20 मतलब 40 प्लस 20, और ये 70, तो इन तीनों को यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर इसको 180 के इक्वल किया। इसको सॉल्व करने पर आता है x प्लस 170 और 180, और x की वैल्यू आ जाती है 10 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाता है 10 डिग्री। चलिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड बी सी इक्वल्स टू बी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ए बी सी एक ट्राइंगल है जहां पर ये दोनों साइड्स इक्वल है, बी सी और बी डी, ठीक है। तो ये बी सी डी भी अपने आप में एक ट्राइंगल हो गया, और ये दोनों इक्वल साइड से, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये क्या है, ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये दोनों साइड से इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, हमने अभी देखा है आइसोसेलिस ट्रायंगल में। अब यहाँ पर एंगल, अब हमको क्या है कि y की वैल्यू चाहिए, तो एक और ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है एडीबी, ठीक है, उसमें दो एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल मिसिंग है, ठीक है। पर यहाँ पर ए डी बी जो है, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल जो वाई है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, क्योंकि ए डी जो है सी तक जाके एक्सटेंड हुई है, और एक्सटीरियर में एंगल बना है वाई, ठीक है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, वाई क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो यहाँ पर देखिए ए डी बी, ठीक है, यहाँ पर ये एक्सटीरियर में एंगल बन गया है वाई, क्योंकि ये साइड एक्सटेंड हुई है AD की C तक, तो एक्सटीरियर में एंगल फॉर्म होता है Y, और जिसका सम क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो Y यहाँ पर किसके इक्वल होगा, 28 प्लस 48, तो Y की वैल्यू तो आ ही जाएगी यहाँ से। तो हमको और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हुई, आइसोसेलिस ट्रायंगल से ये वाला एंगल Y आ गया है, और Y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन की है। तो आप वो क्वेश्चन देखिए और उसको अच्छे से समझिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, और उसी के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल नहीं लगाई है, तो इजीली यहाँ से हमको सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हुई, उनको आप ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जिसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी और एक्स वाई उसके एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड साइड है, यहाँ पर एक्सटीरियर में एक एंगल बना है एक्स, और ये इधर भी एक्सटेंड हुई है तो यहाँ पर वाई बन गया, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये वाले एंगल्स, ठीक है। अब ये एंगल इक्वल हो गए तो आप देख लेते एक्स की, एक्स क्या किसके इक्वल होगा, एक्स होगा इक्वल ए एंगल ए और एंगल सी के। मीन्स एंगल ए, यहाँ पर हम एंगल्स के सपोज नाम दे दिए ए बी सी, ठीक है, वो भी दे दिए। यहाँ पर ये वाला एंगल हमने डाल दिया ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ए एक एंगल है, पर बी और सी दोनों इक्वल है, ठीक है। और अब एक्स की, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ए प्लस सी, और वाई क्या हो जाएगा ए प्लस बी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब अगर यहाँ पर आप देखिए कि अगर बी और सी इक्वल है तो वैल्यू तो दोनों की इक्वल ही आएगी, तो आंसर क्या होगा आप खुद ही बताइए कि चारों में से ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है, और मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।